हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस के अंदर आप जब एसक्यूएल व्यू में काम करते हैं तो उस समय डिलीट नाम का जो कमांड है उसको कैसे यूज करते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो उससे भी पहले हम टेबल बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल बना ली जाए, ठीक है। हालांकि ये बात मैंने पहले भी बताया है। चलिए यहाँ क्रिएट पे चलते हैं, और क्रिएट पे चल के यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये जो टेबल ओपन हुई है ना, इसको यहाँ से क्लोज भी कर देना है और यहाँ से एसक्यूएल पे चले चलना है। और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट कमांड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट लिखा और यहाँ पे लिखेंगे टेबल, क्योंकि हमें बनानी है टेबल, तो यहाँ टेबल लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए टेबल किसी भी नाम से हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टेबल का नाम है प्रोडक्ट, PRODUCT, और यहाँ टी कर देता हूँ, टी सिंबल है जिससे पता चलेगा कि ये टेबल ही बन रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी आएगी, तो यहाँ पे आईडी कर देते हैं। आईडी का डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना होता है, तो डेटा टाइप इंट टाइप का, इंट समझते ही है, प्लस या माइनस वाली वैल्यूज इसमें आएंगी। और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट नल। नॉट नल का मतलब आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। और इसे मैंने बना दिया प्राइमरी की, तो ये हो गया प्राइमरी की, ठीक है। तो ये हो गया आईडी। अब ये आईडी की जगह हम इसे कर देते हैं प्रोडक्ट आईडी, तो ये हो गया प्रोडक्ट और अंडरस्कोर लगा देते हैं, आईडी हो गया, ठीक है। अब ये तो एक हमने फील्ड का नाम दे दिया, दूसरे फील्ड का नाम है प्राइस, तो प्राइस का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CURRENCY, तो ये हो गया करेंसी डेटा टाइप, ठीक है। तो ये करेंसी डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन किया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगला जो है हमारा यूनिट होगा या क्वांटिटी होगा, तो ये QTY लिख देता हूँ और इसका डेटा टाइप फ्लोट मेंशन करता हूँ। फ्लोट यानी डेसिमल वाली वैल्यूज यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और बाकी तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ से टर्मिनेशन देना है, ठीक है। तो ये एक क्वेरी टेबल बनाने को लेकर के हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक टेबल आपकी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, जिसके वजह से नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा ये। तो ये जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट इनटू कमांड चला के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 101 एंटर किया आपने और यहाँ पे इसका प्राइस एंटर करेंगे, लेकिन इसमें प्रोडक्ट का नेम रह गया है, तो इस क्वेरी के अंदर अब हम क्या नेम आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो इसको क्लोज करेंगे, ये जो इसका टेबल है, और इसको हम टेबल को डिलीट कर देते हैं, टेबल को ही डिलीट करना होगा तभी ये हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर टेबल को डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट छूट गया था, तो यहाँ पे अब नेम ऑफ प्रोडक्ट भी दे देते हैं, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देंगे। और इस क्वेरी को दोबारा से रन कराना होगा, ठीक है। और यहाँ पर वेयर केयर, अब देखिए वेयर केयर क्या है, वेयर केयर में जो साइज आप मेंशन करके इसे यहाँ 3 मेंशन कर दिया, तो 3 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर केवल 3 ही कैरेक्टर्स आएंगे। कितने कैरेक्टर आएंगे, 3 ही कैरेक्टर। तो अब 3 कैरेक्टर आएंगे तो 3 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते, किसी भी प्रोडक्ट का नाम 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो कैसे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ डिजाइन पे चलते हैं, पहले इसको रन कराते हैं, तो ये रन हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे प्रोडक्ट आईडी और यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट भी शो होने लगा है, लेकिन प्रोडक्ट का नेम 3 कैरेक्टर से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 1101 कर दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया मैंने राइस, RICE, राइस हो गया। तो यहाँ पे देखिए RICE के बाद आप एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो साइज मेंशन करेंगे वही साइज इसमें आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर के ये साइज को हटा देना है। ये पहले तो इसको टेबल को ही डिलीट करना होगा, क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ पे साइज हमने 30 कर दिया, तो अब जैसे ही आप जाएंगे ना, 30 कैरेक्टर्स इसमें एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जाकर के इस क्वेरी को रन कराते हैं दोबारा से, तो ये देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आप एंटर कर पाएंगे, 1101 ये प्रोडक्ट आईडी हो गई, यहाँ प्रोडक्ट का नेम राइस लिख रहा है, तो RICE देखिए अब ये आराम से आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। और राइस है 40 रुपए किलो और 6 किलो राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पर अब टोटल भी हमें करना होगा। पहले तो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स का नाम हम एंटर करवा लेते हैं और इसकी आईडी एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी पहले एंटर करेंगे, यहाँ पे आकर के 1102 कर दिया हमने, और यहाँ पे पल्स करते हैं, PULSE पल्स, और पल्स है 140 रुपए किलो, तो ये हो गया, और 70 किलो पल्स की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से 1103 करेंगे और यहाँ पर अगले प्रोडक्ट का नाम आएगा, जैसे सोप कर देते हैं, SOAP सोप, तब कोई भी सोप होगा, 20 रुपए का एक सोप है, तो इसके हिसाब से 40 सोप कितने के हुए, तो वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये सीधा सीधा यहाँ पे फिल करने के लिए बहुत आसान हो जाता है काम आपका, ठीक है। अब एक दूसरी क्वेरी बनेगी, इस क्वेरी को तो सेव करना होगा, इसे टेबल क्यू के नाम से सेव करता हूँ, टेबल PABLE टेबल क्यू, क्यू यानी क्वेरी। तो
तो ये हो गया। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके टेबल को भी क्लोज करेंगे, और टेबल को क्लोज करके क्या करेंगे, यहां से क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाके और यहां से इसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद यहां से एसक्यूएल नजर आएगा। यहां पे चले चलिएगा, यहां पर हमारे जो हमने अभी टेबल बनाया है उसका नाम है प्रोडक्ट टी, तो यहां पे प्रोडक्ट टी लिखेंगे। तो ये लिख दिया प्रोडक्ट और फिर टी, ठीक है। सेलेक्ट, अब एस्टेक लगा के लिखेंगे ताकि हम सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर पाए। सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम प्रोडक्ट टी, प्रोडक्ट टी, ठीक है, यही नाम है ना। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूं तो पूरा टेबल ही सिलेक्शन में आ जाएगा, लेकिन यहां पर हमको सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो नीचे आकर के यहां लिखेंगे वेयर, क्या चीज है, यहां पर हम चेक करते हैं एक बार क्या चीज है हमारे में। तो ये है प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वही चीजें आएंगी। तो यहां पर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं फिर डिलीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और अब इसको डिलीट करने की बारी है। तो जैसे पहले तो सेलेक्ट कर लिया, ये आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी क्या डालेंगे यहाँ पे, तो 1101 ये हमने किया और यहाँ पे टर्मिनेट किया। तो जैसे इस क्वेरी को चलाएंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये डिजाइन पे जाके इसको रन करवा दिया, तो रन करवाया तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सिलेक्शन में आ रहा है। तो ये वेयर कीवर्ड का यूज करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वेरी नंबर दो। तो यहाँ पे टेबल Q2 नाम से सेव कर देता हूँ, Q2, ठीक है। तो ये हो गया, अब दो क्वेरी हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको भी क्लोज करते हैं। यहां पर हम एक को डिलीट करने वाले हैं, तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट के लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, ये सवाल है। तो डिलीट के लिए आपको क्या करना है, वही काम कि यहां से क्रिएट पे जाइएगा, ठीक है, और यहां से क्वेरी डिजाइन पे आएंगे और ये जो टेबल दिखेगी इसको यहां से क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो टेबल है उसका नाम है प्रोडक्ट टी, तो इसी के बेस पे हमको सब काम करना है। लिखेंगे DELETE डिलीट, ठीक है, और फ्रॉम लिखेंगे और फिर टेबल का नाम हमारे है प्रोडक्ट टी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टी ही आपको देना है, तो PRODUCT प्रोडक्ट हो गया, फिर यहाँ टी कर देंगे, और टी करके फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, वेयर लगाना है, कंडीशन लगाना है। तो आप नीचे भी जाके कंडीशन दे सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चलिए नीचे ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर WHERE वेयर हो गया, और फिर यहाँ पे दे देंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे चेक करता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट ही दिया गया ना, तो ये देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट ही है, जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है। तो यहाँ लिखता हूँ NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल टू अब प्रोडक्ट का नाम है मान लीजिए पल्स, PULSE, तो ये पल्स कर दिया और पल्स करके यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पूरे टेबल को ये पूरे टेबल में सर्च करेगा और जहां भी इसे पल्स वाला मिलेगा वो वाली रो डिलीट कर देगा ये। तो कैसे, आइए देखते हैं। पहले तो इस प्रोडक्ट वाली टेबल जो पहले से ओपन है इसको क्लोज करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे तो ये क्वेरी एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसे क्लोज कर दिया और क्लोज करके अब इसे चलाने की बारी है। तो यहां से जाकर के डिजाइन पे जाकर के और यहां से इसे चला देंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो फ्रॉम स्पेसिफाइड टेबल, यानी आप इस स्पेसिफाइड टेबल से एक रो डिलीट करने जा रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, तो यस कर दीजिएगा, तो एक रो डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट हुआ या नहीं हुआ ये भी तो देखने की जरूरत है। तो पहले तो इस क्वेरी को ही सेव कर देता हूं मैं, यहां पे डिलीट क्वेरी लिख देता हूं, डिलीट क्वेरी QUERY, तो ये डिलीट क्वेरी लिख दिया। और यहां पर अब हम आएंगे ना तो देखेंगे कि एक जो पल्स वाला था रिकॉर्ड वो डिलीट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कि ये डिलीट क्वेरी का यूज कैसे करना है, सेलेक्ट का यूज कैसे करना है, वेयर का यूज कैसे करना है और कैसे टेबल बनाना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।